ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 17 का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो हमारे चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। तो फॉरेस्ट हमारी लाइफलाइन है, ये कैसे? ठीक है, सो हमारी लाइफलाइन मतलब हम क्या समझते हैं कि अगर हमारे लंग्स नहीं रहेंगे, अगर हमारे हार्ट नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफलाइन गई, ठीक है, हम लोग मर सकते हैं। ओके, सो अब हमारे जो फॉरेस्ट हैं ये इसमें क्या सर्व करेंगे? बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता है लेकिन बहुत सारे बच्चों की चीज़ें पता भी नहीं। ओके, सो जिनको नहीं पता है उनको ये चैप्टर अच्छे से समझना चाहिए, जिन्हें पता है उनका ये पूरा चैप्टर ही क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे क्या है, द फॉरेस्ट सर्व्स एज ग्रीन लंग्स इन नेचर। द फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रीन लंग्स सर्व करते हैं नेचर में। ग्रीन लंग्स मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर के लंग्स नहीं, ग्रीन मतलब जो लीव्स के कलर होते हैं, एंड लंग्स मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे वो लंग्स प्रोवाइड करते हैं। अब ग्रीन मतलब लीव्स मैंने बोला, तो कैसे ये लोग हमारे लिए ग्रीन लंग्स प्रोवाइड करते हैं? ओके, सो आप यहाँ पे समझो कि हमें ये चीज़ तो बहुत सारे बच्चों को पता होगी। यहाँ पे जो मैंने पी लिखा है ये क्या है, हमारे प्लांट्स हैं। ओके, एंड जो मैंने यहाँ पे एच लिखा है ये क्या, हमारी मतलब हम हैं, ह्यूमन बींग्स हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, सो पी मतलब प्लांट्स, एच मतलब ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स क्या इनहेल करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ओके, ये हमें पता है ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। और ह्यूमन बींग्स क्या एक्सहेल करते हैं, मतलब हम क्या एक्सहेल करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं क्या, CO2। मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सहेल करते हैं। ठीक है, सो हम लोग इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमें से एक्सहेल करते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि हम लोग जब इतना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो मान लो एयर तो लिमिटेड है ना, एयर लिमिटेड है, आप जब इतना ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो तो क्या होगा, इतनी सारी पॉपुलेशन तो इतने सारे लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होंगे, तो ऑक्सीजन कभी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे बात आती है हमारे प्लांट्स की। प्लांट्स क्या सर्व करते हैं, एक ग्रीन लंग्स सर्व करते हैं, हमारे लिए एक लाइफ लाइन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, हम लोग जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये हमें क्लियर है, हम लोग फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। अब क्या आपने सोचा है कि प्लांट्स क्या इनहेल और एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स CO2 को इनहेल करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एरो इनके तरफ किया कि ये लोग इसे इनहेल करते हैं। प्लांट्स क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, वो उसे इनहेल करते हैं। ओके, तो अब इन्होंने क्या इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड, तब ये क्या एक्सहेल करते होंगे, मतलब प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किया तब ये क्या एक्सहेल करेंगे, तब ये एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, इनका हमारे से एकदम अपोजिट है, ये क्या करते हैं, ये इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं और एक्सहेल ऑक्सीजन करते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि हमको अपना ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि जब वो एक्सहेल करेंगे ऑक्सीजन तो हमको ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो उन्हें अपना कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट में एयर का बैलेंस रहता है। ठीक है, जितना भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बैलेंस रहता है हमारे इकोसिस्टम में, सारे मतलब जितने भी होते हैं प्लांट्स। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर सकते हैं एंड और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर सकते हैं, सिर्फ वही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इस टाइप का प्रोसेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो मान लो अगर हम लोग प्लांट्स को कट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो ये साइकिल है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये साइकिल क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हम लोग हमको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगा, है ना, एंड हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जब मतलब ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा और प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमें प्लांट्स को इनहेल करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे कैसे मिलेगा, जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। ठीक है, सब ये प्रोसेस जो ये बैलेंस ऑफ साइकिल है इसको होने के लिए
प्लांट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वो तो पहले जी नहीं रहे हैं। अगर प्लांट्स हम लोग उनको काट देंगे तो वो तो पहले ही मतलब लाइक डाई हो गए, फिर प्लांट्स की वजह से हम भी मर सकते हैं। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमारे लंग्स काम करना बंद कर देंगे। ओके, सो ये हमारे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। एकदम आप इसको अच्छे से समझ लो कि कौन क्या इनहेल करते हैं, कौन क्या एक्सहेल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अबाउट सम यूजेस ऑफ फॉरेस्ट्स। ओके, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, जो फॉरेस्ट के कुछ यूजेस होते हैं उन सबको अब हम देखेंगे। तो फॉरेस्ट के यहाँ पे मैंने 4 यूजेस लिखे हैं, और भी जो आपको यूजेस पता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो हमारे यहाँ पे कितने यूजेस हैं, 4। तो 4 को हम लोग 1 by 1 अच्छे से करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यूजेस हमारे यहाँ पे क्या है, शेल्टर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो मतलब फॉरेस्ट ही मान लो हम इसे पूरा कहते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स एंड छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स को क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं। जो मंकीज होते हैं वो ट्रीज पे रहेंगे, ठीक है, एंड जो हमारे पास जितने भी एनिमल्स होते हैं सबको एक रहने का मतलब एक होम देते हैं, उनका घर है। ओके, सो हमें उसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्रोवाइड शेड्स इन समर। जब समर होती है तो जो लोग थक जाते हैं तो क्या होता है उनको, जब वो लोग ट्रीज के नीचे आते हैं तो पहली बात तो उन्हें अच्छी ऑक्सीजन भी मिलती है ना, एंड अच्छा उनको मतलब लाइक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड होता है, एंड वो अच्छा शेड भी देते हैं हमको। ठीक है, समर से मतलब लाइक सन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड मेनी प्रोडक्ट्स। अब जो ये हमारे पास ट्रीज होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल हमें अभी क्या ले सकते हैं, एग्जांपल पहली चीज़ जो सारे बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ग्लू। ओके, सो आप लोग क्राफ्ट करते हैं फिर कुछ भी करते हो तो आपको ग्लू की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ग्लू होता है, और वी कैन से लाइक गम, ठीक है, गम भी हम इसे बोलते हैं। तो जो गम होता है कहाँ से आता है, ट्रीज से आता है। ओके, एंड जो आप लोग इरेजर यूज़ करते हो, ओके, जो आपके पास रबर होते हैं वो भी कहाँ से आते हैं, हमारे से भी आता है, ठीक है, रबर। ओके, अब यहाँ पे रबर हमने दे लिया, अब यहाँ पे जो आपका हनी होता है, ओके, हनी एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सीलिंग वैक्स, वुड। आप वुड से बहुत सारे लोग अपने घर बनाते हैं, एंड बहुत सारे लोग में वुल एज एन फ्यूल यूज़ किया जाता है, मतलब कि जैसे कि फ्यूल मतलब यहाँ पे कह सकते हैं अपना खाना वो लोग उसी की मदद से पकाते हैं, ठीक है, आग लगा कर। अब और भी सारी बहुत ही सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हमको प्लांट से मिलते हैं। ओके, फॉरेस्ट से फ्रूट्स मिलता है, मेन प्रोडक्ट यही है, मतलब वेजिटेबल्स मिलते हैं हमें। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो पहले सॉइल इरोजन को समझते हैं, उसके बाद प्रिवेंशन देखेंगे। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मान लो दिस इज़ आर ट्री। ओके, जो ट्री के रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहली बात वो रूट हमारे मिट्टी के अंदर होते हैं, एंड वो जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी मिट्टी को पकड़े रहते हैं। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे ट्री रहेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे रूट्स रहेंगे, और वो सब क्या करेंगे, हमारी जो ट्री होगी उसको क्या करेंगे, अच्छे से पकड़ के रखेंगे। ओके, मतलब जो सॉइल होगा उसको पकड़ के रखेंगे, और जो ट्री होगा उसके मतलब से क्या होगा, स्ट्रेटन अप रहेगा। ओके, सो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली कि रूट्स की मदद से क्या होगा, ट्री स्ट्रेटन अप रहेगा, मतलब खड़ा रह सकता है सॉइल को होल्ड करके, और वो क्या कर रहा है, दूसरी चीज़ सॉइल को होल्ड करके रखता है, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, देखो ट्रीज़ के रूट्स का यहाँ पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, कि अगर ट्रीज़ के पास रूट्स नहीं रहते तो क्या होता, देख लो, अगर मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, उससे क्या होगा, रूट्स रह रहे हैं तभी तो ट्री स्टे डाउन रहते हैं। ओके, मतलब खड़े रहते हैं, एंड अगर मान लो बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है, उसके वजह से अगर मान लो रूट नहीं रहे, बारिश हो रहा है और रूट नहीं है किसी भी प्लांट के पास, तो क्या होगा, तो क्या ये होगा कि पहली बार तो जो ट्री है वो गिर जाएगा, फर्स्ट थिंग ट्री यहाँ से गायब हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये होगी, जो यहाँ पे हमारे पास सॉइल है ना, वो भी क्या होगा, लैंड स्लाइड्स होंगे। ओके, सो क्या होगा, जो सॉइल होगा उसको भी तो किसी को मतलब उसको भी तो कोई ग्रैब नहीं करेगा ना, मतलब जो रूट्स होते हैं उसको ग्रैब करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उसको जब कोई ग्रैब या फिर पकड़ के रखने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी जब बारिश आएगी बहुत तेज तो क्या होगा, वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
जो अंदर के पत्थर होंगे वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, उनका गिरना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लैंड स्लाइड्स बोलते हैं. ओके, जब लैंड मतलब जब लैंड एकदम जब लैंड के ऊपर जब बहुत सारे ट्रीज नहीं रहते तो क्या होता है, जो लैंड होता है वो गिरना स्टार्ट कर देता है, लैंड स्लाइड्स क्रिएट करता है. ओके, सो जब आपके पास ट्रीज नहीं रहेंगे तो ये जो मिट्टी होगी यहाँ की क्या होगी, यहाँ से चली जाएगी. ओके, सो यहाँ से गायब हो जाएगी. और इसका जो टॉप लेयर होता है, टॉप लेयर मतलब जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जहाँ से रूट्स होते हैं, जहाँ तक रूट्स होते हैं वहाँ तक बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर, तो वो सारे मिनरल्स गायब हो जाएंगे. ठीक है, वो सारे मिनरल्स क्या होंगे, गायब हो जाएंगे पानी की वजह से. जिससे क्या होगा, जिससे आने वाले जितने मतलब ट्रीज को उगाने के लिए क्या होगा, रूट्स मतलब जो मिनरल्स होंगे वो नहीं रहेंगे. ओके, सो सॉइल इरोजन यही होता है, जिसमें क्या होता है कि हम मतलब अगर ट्रीज़ रहेंगे तो कैसे ट्रीज़ कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि अगर ट्रीज़ रहेंगे तो उनकी रूट्स रहेंगी, रूट्स रहेंगी तो वो सॉइल को पकड़ के रखेंगी, सॉइल को पकड़ के रखेंगी तो सॉइल से कभी लैंडस्लाइड होगा ही नहीं, और ट्रीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा. अब ये हमने 4 यूजेस देख लिए एंड दे आर दी मेन यूजेस. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टाइप, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ ट्रीज. ओके, सो ट्रीज के भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं. अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल मेन पार्ट्स देख रहे हैं, ट्रीज के तो पार्ट्स हमें पता है, स्टेम्स होंगे, रूट्स होंगे, ट्रीज या प्लांट्स हम इसे बोल सकते हैं. ठीक है, ब्रांचेस होंगी, ये सब होते हैं ट्रीज के पार्ट्स. लेकिन इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक्सटर्नली भी ना कुछ बोला जाता है इन सारी चीज़ों को. ओके, सो इन्हें भी समझ रहे हैं. यहाँ पे 3 थिंग्स आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, दैट इज कैनोपी, अंडर स्टोरी एंड क्राउन. 3 चीज़ें हैं, 3 पार्ट्स हैं, दैट आर नोन एज एक्सटर्नल पार्ट्स. ओके, अब यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ें क्या है यहाँ पे, कैनोपी. तो फर्स्ट थिंग इज कैनोपी. तो कैनोपी क्या होता है, कैनोपी मतलब जो आपका मान लो ये क्या है, दिस इज अ ट्री. तो ट्री में आप देख सकते हो एक साइड में पूरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीन लीव्स है इस तीनों ट्री में, और नीचे क्या होता है हमारा पूरा बड़ा सा मतलब स्टेम या फिर ब्रांच बोल सकते हो. ओके, मोटा सा. तो फिर अब यहाँ पे जो हमारे पास बार्क होता है, ठीक है, ये नीचे हम इसको बार्क भी बोलते हैं. तो अब ये जो बार्क है इस पर आप देख सकते हो एक भी लीफ नहीं है, और ऊपर क्या है, बहुत सारे लीफ है. तो ये जो जहाँ पे बहुत सारे लीफ होते हैं ना किसी भी ट्रीज में, ऊपर वाले हिस्से को मान लो हम इसको टॉप के जो हिस्सा होता है एक ट्री का, उसको हम बोलते हैं कैनोपी. ओके, सो अब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है. ओके, और जो बार्क होता है किसी भी ट्री का, मान लो इस ट्री का ये जो बार्क है, इस ट्री का ये जो बार्क होता है, ये जो बार्क होते हैं किन्हीं भी ट्रीज के मतलब जो हमारे लीव्स हैं उनसे थोड़े नीचे वाले पार्ट्स होते हैं ना बार्क, तो उन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडर स्टोरी बोलते हैं. ठीक है, जितने भी बार्क होते हैं उन सबको हम बोलेंगे अंडर स्टोरी. अब मान लो आपने मतलब लाइक फॉरेस्ट आपने देखा होगा, विजिट किया होगा, फिर आपने नहीं देखा है, पिक्चर्स देखे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक ही साथ बहुत सारे रहते हैं, और आप ऊपर देखोगे तो आपको कहीं पे स्काई दिखता ही नहीं है, पूरा एकदम ग्रीन लीव्स रहते हैं, और नीचे आपको सिर्फ मोटी मोटी ब्रांचेस दिखती हैं. तो आप उसके एग्जांपल से देख सकते हो, जो ऊपर वाला पूरा हिस्सा होता है वो क्या होता है, ऊपर वाला पूरा हिस्सा होता है हमारा कैनोपी, एंड जो नीचे वाले जहाँ पे सबके ब्रांचेस दिखते हैं वो क्या होते हैं, अंडर स्टोरी एरिया, अंडर स्टोरी होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है. अब एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज क्राउन. क्राउन बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. अब क्राउन मतलब आप समझ सकते हो कि आप देखा है आपने एक ट्री, ठीक है, तो ट्री में आप देखते हो कि जो ऊपर वाला किन्हीं भी ट्रीज़ का जो हिस्सा होता है आपको कैसे दिखता है, कि मान लो कोई आदमी खड़ा उसके ऊपर उसका एक क्राउन है. ओके, उससे कुछ जैसे कि आप इस ट्री में, इन दोनों ट्री में देख सकते हो कि ट्री के ब्रांचेस है, दैट आर ओके. अब मतलब हमारे पास बार्क है, दैट आर ओके, बस इसके ऊपर क्या देख सकते हो, एक अलग टाइप का शेप आपको क्रिएट करके लीव्स देता है. तो ये जो अलग टाइप का आपको एक क्राउनी शेप दिखेगा, इसे हम क्राउन बोलते हैं. ओके, सो एक ट्री के ऊपर मान लो इसे कह सकते कोई आदमी है, इसके ऊपर एक अच्छा सा क्राउन है. ओके, सो ट्रीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ट्रीज के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो आपको क्राउन जैसे शेप का दिखता है, उन्हें हम क्राउन बोलते हैं. ओके, सो ये हमने क्या देखे, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स ऑफ द लाइक फॉरेस्ट में एक्सटर्नल पार्ट्स हमने देख लिए. क्या आप फॉरेस्ट को दूर से समझ सकते हो और दूर से बोल सकते हो कि अच्छा भाई ऊपर वाला हिस्सा क्या बोल सकते हैं हम, कैनोपी है. कैनोपी में देखो वहाँ पे कुछ मतलब लाइक मंकीज हैं, फिर हम बोल सकते हैं देखो अंडर स्टोरी में कुछ स्नेक रैटल कर रहे हैं, ऐसे करके हम बोल सकते हैं. ठीक है, मतलब ये क्या है अंडर स्टोरी एंड कैनोपी, हम ये क्या है मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं ना कि एक सिमिलर वर्ड्स हैं, आप इसको बोल सकते हो कि लीव्स वाला एरिया भी बोल सकते,
सकते हो और स्टेम भी, मतलब बाग भी बोल सकते हो, लेकिन एक सिनोनिम टाइप हम इसको मतलब बोल सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लास्ट सब टॉपिक फॉर दिस चैप्टर्स इंट्रोडक्शन इज अबाउट ह्यूमस एंड डीकम्पोजर्स. तो ह्यूमस और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं ये अब हम लोग समझेंगे. तो फर्स्ट इज आ ह्यूमस एंड सेकेंड इज आ डीकम्पोजर्स. लेकिन ह्यूमस को समझने से पहले पहले हमको डीकम्पोजर्स समझना पड़ेगा, तब हम लोग ह्यूमस को अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, सो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट आर नोन एज डीकम्पोजर्स. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या कर देते हैं ना, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं. ओके, तो याद रखना हमेशा जहाँ पे भी एनिमल्स गिवन है, हर जगह नहीं लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल में एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं. ह्यूमन इज आल्सो एन एनिमल. ओके, सो एनिमल्स में ह्यूमन भी आते हैं, इसका मतलब जब ह्यूमंस भी मरते हैं तो क्या होता है, ह्यूमन भी मरते हैं लेकिन कास्ट के हिसाब से क्या होता है, हिंदू लोग क्या कर देते हैं, उसे तो बर्न कर देते हैं. तो यहाँ पे हिंदू लोग का इसमें नहीं आता है. मान लो क्रिश्चियन लोग हैं तो वो क्या करते हैं, उसे अंदर मतलब मिट्टी के अंदर डाल देते हैं. ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब अपने मतलब उनके जो जितने भी रिलेटिव मतलब कोई मर गया है तो उनको क्या करते हैं, अंदर डाल देते हैं मिट्टी के अंदर. तो क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर जब वो रहते हैं तो आप लोग देखोगे कि अगर बहुत साल बाद आप मतलब लाइक सुनोगे या फिर आपने देखा नहीं है तो आप सुनोगे तो क्या होगा, वो वहाँ पर नहीं रहते, उनका क्या रहता है, सिर्फ उनकी बोन्स रहती हैं. ये कैसे हुआ, उनके पास तो स्किन भी थी ना जब वो लोग मरे थे, तो उनके पास बोन्स कैसे रह गई, वो इसलिए होता है क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत ही सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर हमने पढ़ रखा है. तो ऐसे ही जो वन सेल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसे खाते हैं एंड उसके बाद उसे एक प्रोडक्ट एक ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं विच आर नोन एज डीकम्पोजर्स. तो यही जो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस टाइप का प्रोसेस करते हैं उन्हें हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो ह्यूमस आया है जिनमें ये कन्वर्ट करते हैं इनका मतलब क्या होता है, ह्यूमस समझते हैं. व्हेन डीकम्पोजर्स फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस. तो जब जब मतलब डीकम्पोजर्स प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं तो वो उसे क्या करते हैं, एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस, एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस. यहाँ पे जो ह्यूमस है सेम ह्यूमस यहाँ पे भी है, तो वही जो डार्क कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं वो डीकम्पोजर्स यहाँ पे जो कर रहे हैं, सेम टू सेम दोनों इंटरलिंक्ड है. ओके, सो वो एक डार्क कलर सब्सटेंस जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं. अब हम ह्यूमस का मतलब समझेंगे, डीकम्पोजर्स आर क्लियर ना, तो अब हम ह्यूमस का मतलब समझेंगे. व्हाट इज़ अ ह्यूमस, ह्यूमस क्या होते हैं ना, मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे सॉइल है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ह्यूमस किस में मदद करता है, अभी जो ह्यूमस हमें एक चीज़ मिला है ये क्या होता है. मान लो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बहुत ही सारे मतलब लाइक एग्रीकल्चर कर रहे हो. ओके, सो यहाँ पे आप एक ही टाइप के बहुत ही सारे प्लांट्स को उगा रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हो. तो एग्रीकल्चर में क्या क्या नीडेड होता है, प्लांट्स के सीड्स नीडेड होते हैं, वाटर नीडेड होता है, सनलाइट नीडेड होते हैं, और क्या नीडेड होता है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स भी नीडेड होते हैं. तो मिनरल्स कहाँ से आएंगे, मिनरल्स सॉइल से आते हैं जो रूट्स लेकर आते हैं हमारे लिए. ओके, तो जब रूट्स अंदर जाते हैं तो वो मिनरल्स लेकर आते हैं. अब ये मिनरल्स कभी कभार तो ख़त्म हो जाते होंगे ना, मतलब इतने सारे बार आप क्रॉप को फील्ड कर रहे हो तो क्या होगा, जो मिनरल्स होंगे वो क्या होंगे, ख़त्म भी होते रहेंगे ना. तो इन्हीं मिनरल्स को हम लोग जब मरते हैं तो क्या होता है, वो डीकम्पोजर्स हमें एक डार्क कलर सब्सटेंस ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं. अभी जो डार्क कलर सब्सटेंस होता है ये होता क्या है, इसमें होता है जब हम मरते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो मिनरल्स या फिर कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, मतलब विटामिन कुछ मिनरल्स तो बचता होगा ना, तो वही होता है यहाँ पे वो डार्क कलर सब्सटेंस. प्लांट्स भी जब मरते हैं तो प्लांट्स के अंदर भी तो कुछ मिनरल्स वाटर ये सब प्रेजेंट होता होगा, तो इससे मिलके एक ह्यूमस क्रिएट करते हैं. जब हम इन ह्यूमस को मतलब लाइक अपने एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी फार्मर्स होते हैं इसे खुद से बनाते भी हैं जानबूझकर, कंपोस्ट बनाते हैं, चैप्टर हमने पढ़ रखा है. ओके,
कंपोस्ट बनाते हैं और उसके बाद उसे अपने एग्रीकल्चर जो फील्ड होता है उसके अंदर डाल देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है जो नए नए प्लांट्स आ रहे हैं उनको मिनरल्स की कमी नहीं होगी, वाटर और मिनरल्स की कमी नहीं होगी और वो अच्छे से ग्रो कर लेंगे। तो यही होता है हमारा ह्यूमस। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो पूरा चैप्टर है ख़त्म होता है। इस पूरे चैप्टर में हमने मतलब वाइल्ड लाइफ कह सकते हैं, फिर फॉरेस्ट के बारे में पूरा हमने मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मेन कॉन्सेप्ट। एंड यहीं पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।